वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 आत्मश्रद्धा यह प्रभाव, यानी आत्मश्रद्धा का प्रभाव देखेंगे। उसके अंदर एक एकलव्य की स्टोरी है जो शायद आप लोगों ने सुनी होगी, जिसके बारे में आज हम देखेंगे संस्कृत के अंदर। एक बालक आसी, उसका मतलब होता है एक बालक था। तस्य नाम एकलव्य आसी, यानी उसका नाम एकलव्य था। सह धनुर्विद्या पठितुम इच्छति स्म, यानी वो धनुर्विद्या सीखना चाहता था। एकदा सह द्रोणाचार्यस्य समीपम आगच्छत, यानी एक बार वो द्रोणाचार्य के पास जाता है। अवदत च, यानी बोलता है, कहता है, गुरुदेव अहम अपि धनुर्धरः भवितुम इच्छामि, यानी हे गुरुदेव मैं भी धनुर्धारी बनना चाहता हूँ। कृपया मा स्वीकुरु, यानी कृपा करके मुझे स्वीकार करो। आचार्य प्रत्यवदत, यानी आचार्य उत्तर देते हैं, अहम कौरवान पांडवान च पाठयामि, यानी मैं कौरवों और पांडवों को पढ़ाता हूँ। अहम भवतः शिष्य रूपेण स्वीकारम कर्तु न शक्नोमि, यानी मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार कर सकता नहीं, परंतु आचार्य प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत, यानी परंतु आचार्य के प्रति उसकी श्रद्धा में कोई शिथिलता यानी कोई भी ढिलाशाही नहीं। सह आचार्यस्य द्रोणस्य एका मूर्तिम अर्चयत, यानी उसका मतलब होता है उसने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई। सह प्रतिदिनम मूर्तिम अनमत, वो हर रोज मूर्ति को नमन करता था। प्रातः कालत सायं पर्यंत धनुर्विद्याः अभ्यासम अकरोत, यानी वो सुबह से लेके शाम तक धनुर्विद्या का अभ्यास करता था। शनेह शनेह सह कुशलः धनुर्धरः अभवत, यानी धीरे धीरे वो कुशल धनुर्धारी बन गया। एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोणः पांडवेः कौरवेः च स आगच्छतु, यानी एक बार वन में गुरुद्रोण पांडवों और कौरवों के साथ वहां आते हैं। सह एकह कुकुर तान दृष्टवा अभषत, यानी एक कुत्ता उनको देख के भौंकने लगता है। अर्जुनः धनुष्यम उत्थापयति स्म, यानी धनुष्य अर्जुन ने अपना धनुष्य उठाया। तदेव एकलव्यः बाणेः तस्य कुकरस्य मुखम आसीव्यत, यानी तब ही एकलव्य के बाणों ने कुत्ते के मुंह को सी दिया। द्रोणाचार्य एतत, द्रोणाचार्य ये दृष्टवा तत्र आगच्छत तम च अपृच्छत, यानी तब द्रोणाचार्य ये देखकर वहां पे आया और उन्होंने पूछा, कह तव आचार्य, यानी तेरे आचार्य कौन है। तदा स द्रोणाचार्य ता मूर्तिम अदृश्यत, तब उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति को दिखाया। एकलव्य गुरु श्रद्धायाः स्वश्रद्धायाः च प्रतीकम अस्ति, यानी एकलव्य गुरु श्रद्धा और आत्मश्रद्धा का प्रतीक है। एकलव्य अस्मान शिक्षयति, यानी एकलव्य हमें सिखाता है। स्वयं ज्योतिर्ह स्वयं प्रज्ञ भवतु, यानी खुद ही खुद को प्रकाश और प्रज्ञा के रूप, खुद ही प्रकाश और प्रज्ञा का रूप बनो। यदि अस्मानु आत्मश्रद्धा अस्ति
तहिर कपी सिद्धि दुर्लभा नास्ती। जो हम अपने में आत्मश्रद्धा रखेंगे तो कोई भी सिद्धि मिलनी हमारे लिए मुश्किल नहीं है। अनंतरम आत्मश्रद्धाया बलेन सह श्रेष्ठ धनुर्धर अभवत। यानी फिर आत्मश्रद्धा के बल से वो श्रेष्ठ धनुर्धारी बना। ओके, यहाँ पे हमारे चैप्टर की समझौती खत्म होती है। अब हम देखेंगे हमारे चैप्टर की ग्लोसरी। पठितुम उसका अर्थ होता है फॉर लर्निंग। भवितुम उसका अर्थ होता है टू बी। प्रत्यवदत उसका अर्थ होता है रिस्पोंडेड। न शक्नोमि उसका मतलब होता है इज नॉट एबल या फिर इज अनेबल। भवतः यानी योर। शिथिला यानी लेस। प्रतिदिनम यानी एवरीडे। शनेह शनेह यानी वेरी स्लोली। तदेव सुन। कुकर डॉग। अनंतरम लेटर ऑन। यदि तहिर उसका अर्थ होता है इफ। अनमत यानी बोर्ड। प्रातः कालात यानी फ्रॉम मॉर्निंग। न अभवत यानी नॉट बिकम। उत्थापयति यानी टेक्स अप। असीवियत यानी स्टॉपेड। असमान यानी अस। अब हम देखेंगे हमारे चैप्टर की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के अंदर दिया है क्वेश्चन नंबर वन। प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड प्रॉपरली। हमें नीचे दिए वर्ड को प्रॉपर प्रोनाउंस करना है। एकलव्य है, आपको भी मेरे साथ रिपीट करना है। धनुर्विद्याम द्रोणाचार्यस्य। आगच्छत स्वीकुरु। प्रत्यवदत शिष्य रूपेण। पर्यंतम उत्थापयति गुरुश्रद्धयाहा। स्वयं ज्योतिरह एंड दुर्लभा। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर टू। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन संस्कृत। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर वन है, एकलव्य धनुर्विद्या पठितुम कस्य समीपम आगच्छत। यानी एकलव्य धनुर्विद्या सीखने के लिए किसके पास जाता है? तो किसके पास जाता है? द्रोणाचार्य के। ओके, तो उत्तर लिखेंगे हम, एकलव्य धनुर्विद्या पठितुम द्रोणाचार्यस्य समीपम आगच्छत। ओके, द्रोणाचार्य ऐड करके पूरा सेंटेंस कंप्लीट करेंगे आंसर में। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर टू, एकलव्य द्रोणम किम अवदत। यानी एकलव्य द्रोण को क्या कहता है? तो उत्तर आएगा, एकलव्य द्रोणम अवदत गुरुदेव अहम अपि धनुर्धर भवितुम इच्छामि कृपया मा स्वीकुरु। यानी मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ, कृपया मुझे स्वीकार करे। टेक्स्ट बुक के अंदर से, हमारे चैप्टर के अंदर से आपको ये वाला सेंटेंस मिल जाएगा, तो उसको इसके साथ ऐड करके आपको आंसर फिल करना है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री, द्रोण एकलव्यम किम अवदत। यानी द्रोण ने एकलव्य को क्या कहा जब उसने सीखने के लिए कहा? तो द्रोण ने एकलव्य को क्या उत्तर दिया? यस, तो हम कैसे लिखेंगे? द्रोण एकलव्यम अवदत अहम कौरवान पांडवान च पाठयामि अहम भवतः शिष्य रूपेण स्वीकारम करतु न शक्नोमि। यानी मैं कौरवों और पांडवों को सिखाता हूँ, मैं तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार कर सकता नहीं। ये दो सेंटेंस भी आपको टेक्स्ट बुक के हमारे चैप्टर के अंदर से मिल जाएंगे। ओके, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर, एकलव्य बाणे किम अकरोत। यानी एकलव्य के बाणों ने क्या किया? तो क्या किया था? कुत्ते के मुंह को उसने सी दिया था। तो हम उत्तर लिखेंगे, एकलव्य बाणे एकस्य कुकुरस्य मुखम आसीवियत। क्या लिखेंगे? एकलव्य बाणे एकस्य कुकुरस्य मुखम असीवियत। क्वेश्चन नंबर फाइव,
द्रोणाचार्य एकलव्य किम अपृच्छत, यानी द्रोणाचार्य ने एकलव्य को क्या पूछा, क्या पूछा था? यस, कि तुम्हारे आचार्य गुरुदेव कौन है? तो हम उत्तर लिखेंगे द्रोणाचार्य एकलव्य अपृच्छत कहतो आचार्य। ओके, क्या लिखेंगे उत्तर? द्रोणाचार्य एकलव्यम अपृच्छत कहतो आचार्य। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द गैप यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में दिए वर्ड को यूज करके ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है, एकलव्य धनुर्विद्या पठितुम खाली जगह समीपम अगच्छत, यानी एकलव्य धनुर्विद्या पढ़ने के लिए किसके पास जाता है? यस, द्रोणाचार्य स्य। ब्लैंक्स नंबर 2, एकलव्य स्य खाली जगह प्रति शिथिला न अभवत, यानी एकलव्य को किसके प्रति श्रद्धा शिथिल नहीं हुई? तो किसके प्रति आएगा? आचार्य के प्रति। ओके, तो लिखेंगे आचार्य प्रति। ब्लैंक्स नंबर 3, एकह कुकुर तान दृष्टवा खाली जगह, यानी एक कुकुर ने उनको देख के क्या किया? भौंकने लगा। तो उसको लिखेंगे हम अबशत। ब्लैंक्स नंबर 4, एकलव्य अस्मान खाली जगह स्वयं ज्योतिर स्वयं प्रज्ञा भवतु, यानी एकलव्य हमें क्या एकलव्य के समान हमें स्वयं ज्योति और स्वयं प्रज्ञा रूप बनना चाहिए। उसका क्या मिलती है हमें? शिक्षा, यानी वो सिखाता है। तो उत्तर में लिखेंगे शिक्षयति। ओके, शिक्षयति, ये सिखाता है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड, यानी ये वर्ड को यूज करके हमें उसके संस्कृत में सेंटेंस बनाने हैं। फर्स्ट लिखा है धनुर्धर, तो उसका सेंटेंस बनेगा अर्जुन महान धनुर्धर अस्ति। क्या लिखेंगे? अर्जुन महान धनुर्धर अस्ति। फिर दूसरा है बालक, उसका सेंटेंस बनेगा बालक निर्दोष भवति, बालक निर्दोष भवति। तीसरा है शिष्य, उसका वाक्य बनेगा हे शिष्य त्वयं सत्यम वद धर्मम चर, हे शिष्य सत्यम वद धर्मम चर। चौथा वर्ड है कुकुर, तो उसका वाक्य बनेगा कुकुर रात्रि समये बहु भषति। क्या बनेगा? कुकुर रात्रि समये बहु भषति। इसके अलावा भी आपको सेंटेंस खुद से बनाने आते हैं तो आप बना के उसको लिख सकते हैं। ओके, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, राइट आर्म अगेंस्ट द राइट एंड न अगेंस्ट द रॉन्ग सेंटेंस, यानी अगर सेंटेंस राइट है तो आर्म लिखना है, आर्म का मतलब होता है हा, और अगर सेंटेंस रॉन्ग है तो लिखना है न, जिसका मतलब होता है नहीं। देखेंगे सेंटेंस नंबर 1, एकलव्य ईश्वर श्रद्धाया प्रतीकम अस्ति, यानी एकलव्य ईश्वर के श्रद्धा के प्रतीक के समान है। तो वो उसके समान था कि गुरु के प्रति श्रद्धा के समान था? यस, गुरु के प्रति था। तो ये सेंटेंस क्या आएगा? रॉन्ग आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम न। सेंटेंस नंबर 2, एकलव्य बाणे कुकरस्य मुखम असीवियत, यानी एकलव्य के बाण ने कुत्ते के मुख को सी दिया। वाक्य कैसा है? राइट है। तो उसमें हम लिखेंगे आम, आम का अर्थ होता है यस, हा। सेंटेंस नंबर 3, आचार्य प्रति एकलव्यस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत, यानी आचार्य के प्रति एकलव्य की श्रद्धा शिथिल नहीं हुई। सेंटेंस कैसा है? राइट है, न अभवत लिखा है। ओके, अगर अभवत लिखा होता, सिर्फ अभवत, तो ये बन जाता नहीं। ओके, पर न अभवत लिखा है यानी उसकी श्रद्धा शिथिल हुई नहीं, डगी नहीं, तो ये सेंटेंस बन जाएगा राइट, यानी उसमें लिखेंगे आम। सेंटेंस नंबर 4, द्रोणाचार्य एकलव्यस्य शिष्य रूपेण स्वीकारम करतु न शक्नोति, यानी द्रोणाचार्य एकलव्य को शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता।
सेंटेंस कैसा है? राइट है, यानी यस। तो उसका लिखेंगे संस्कृत में हम आम। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फ्रॉम द रूट वर्ब, यानी बेसिक वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट फॉलो इन द इंस्ट्रक्शन। यानी क्या करना है हमें, ये ब्लैंक्स को फिल करना है किसके साथ, रूट वर्ब यानी बेसिक वर्ब को यूज करके हमें उसको फिल करना है। एग्जाम्पल दिया है सह धनुर्विद्या खाली जगह इच्छति, तो ब्रैकेट में लिखा है पठ, पठ का हमें बेसिक वर्ब ढूंढना है, क्या बनेगा, पठितुम। सह धनुर्विद्या पठितुम इच्छति। चलो देखेंगे सेंटेंस नंबर 1, सह अध्यापक खाली जगह इच्छति, यानी क्या आएगा, भव, भव का लिखना है तो क्या बनेगा, भवितुम। पठ का बना पठितुम, तो भव का क्या बनेगा, भवितुम। सह अध्यापक भवितुम इच्छति। सेंटेंस नंबर 2, अहम रोटी का खाली जगह इच्छामि, तो लिखा है वर्ब खाद, तो खाद का बनाएंगे हम खादितुम, अहम रोटी का खादितुम इच्छति। सेंटेंस नंबर 3, भवान उद्याने खाली जगह इच्छति वा, ब्रैकेट में लिखा है चल, तो चल का बनाएंगे हम चलितुम, भवान उद्याने चलितुम इच्छति। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर लिखा है ड्रो द पिक्चर ऑफ बो, यानी हमें धनुष का पिक्चर यहाँ पे ड्रो करना है, यहाँ दिए गए स्पेस के अंदर हमें पूरा धनुष का पिक्चर ड्रो करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यू चैप्टर देखेंगे। बाय स्टूडेंट्स।